राजस्थान मरुधरा की कांग्रेस में इन दिनों बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ दिन पहले सीएम गहलोत के लिए तारीफ के कसीदे पढ़ने को लेकर सुर्खियों में आए विधायक पीआर मीणा अब पायलट के लिए मरने मारने की बात कह रहे हैं। मीणा ने कहा, पायलट के साथ था, हूँ और रहूँगा। गहलोत साहब ने मेरे दो चार काम बढ़िया किए तो उन्हें धन्यवाद देना मेरी ड्यूटी बनती है। सियासी हालात पैदा हुए, क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? नहीं, सियासी हालात तो ऐसा कुछ भी नहीं। और ये पत्रकार और आप लोग बार बार ये कहते हो, पीआर मीणा जी आज भी एक अखबार में पढ़ा, मैं पायलट साहब के साथ था, हूँ और रहूँगा। लेकिन सर, ऐसी खबरें क्यों आ रही है कि आप लोग अलग? अब खबरें तो तुम ही निकालते हो ना भाई, मैं निकालता हूँ खबरें तो अंदर से ही आ रही है सर। अरे देखो, मुख्यमंत्री ने मेरे कोई दो चार काम बढ़िया किए तो मेरी ड्यूटी बनती है कि उनको धन्यवाद देना। आप कहीं ना कहीं पसंद करते हैं कि राजस्थान के सीएम गहलोत रहे या अच्छे हैं? अभी ये कुछ अंत क्यों कर रहे हो, मेरे हाथ में थोड़ी है, ये तो आला कमान तय करेगा। लेकिन सर, आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है हाईकमान के द्वारा, क्यों लेट हो रहा है वहाँ? ये गलत बात है, ये गलत बात है सर। सुनी जा रही है, क्या बात हुई है वहाँ पे? अरे मेरी तो कोई बात नहीं हुई, पर यह है कि आला कमान को जल्दी निर्णय लेना चाहिए। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं भाई, मंत्रिमंडल बढ़े, ये तीन तीन बार के विधायक घूम रहे मुरारलाल जी जैसे, क्या हम तो पहली बार के ही है। सर, वेद प्रकाश सोलंकी जी, रमेश मीणा जी, हेमाराम जी, सबने आरोप लगाए कि उनके काम नहीं होते, भेदभाव होता है। अब मैं काम का तो आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि आप जानते हो मैंने कल परसों तो पेपर में दिया है कि भाई मेरे काफ़ी सारे काम किए मुख्यमंत्री। सर, जब पंजाब में 10 दिन में वो, हाँ तो ये बात सही है, ये जल्दी निर्णय होना चाहिए। सर, 6 महीने का आश्वासन दिया था, 10 महीने हो गए, अब आगे की क्या निर्णय? अरे पहले तो 2 महीने के ही दिए थे भाई। दिल्ली जाएंगे सर काम करने के लिए, वापस दिल्ली जाने? अब हमारा नेता कहेगा जाएंगे, अगर मान लो पायलट साहब कहेंगे कि कहीं चल रहे तो हो, बिल्कुल, अगर मान लो पायलट साहब कहते हैं कि चलना है तो फिर चलोगे या फिर क्या? अरे जहाँ पायलट साहब कह देंगे वहाँ जाएंगे, वो कहेंगे मरना है तो मर जाए। खैर, सूबे के मुखिया गहलोत से दूरियां बयानों में ही नहीं बल्कि धरने पर भी नजर आई। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ पूरी कांग्रेस सड़कों पर नजर आई, लेकिन अलग अलग गुटों में सीएम गहलोत के मंत्रियों ने सिविल लाइन पर धरना दिया तो पायलट 18 किलोमीटर दूर सांगानेर में धरना देने पहुंचे। साथ में पायलट कैंप के विधायक भी मौजूद रहे। अब जिनके मायने आप भी निकाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 20 इंडिया।